हाई गाइज, हाउ आर यू ऑल? वी आर कम्प्लीटली फिट एंड फाइन एंड आई होप आप सब भी बहुत ही फिट एंड फाइन होंगे. और आज हमारे साथ आ रही हैं एक्ट्रेस, परफॉर्मर, आइटम गर्ल भी शायद थी वो, सना खान. हु आर यू? मेरा नाम सना खान है. फ्रेंड्स लग रहे हैं सलमान खान या मतलब सना खान लग रही है ये किसी भी एंगल से. अब सना खान हो? हाँ मैं सना खान हूँ. चंपा, सना खान ही आई है क्या? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम, बट आप तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ही बोला करती थी. सडनली मतलब ये पूरा चेंज, ये कैसे? आजकल का मॉडर्न जमाना है, मैं भी चेंज हो गई हूँ. इतना ही उर्दू वर्ड आता है आपको? हाँ नहीं, बहुत आता है. अस्सलाम वालेकुम, सलाम ए इश्क, जन्नत, खैरियत, खैरियत पूछो. अरे मतलब ये आपने नया नया सिखाया. सलामे इश्क कौन सा उर्दू वर्ड है रे? सलामे इश्क मेरी जा, मुझे कबूल करना है. कुछ भी. अरे जितना आता ही है मुझे उर्दू का, उतना ही ना बोलूंगी ना मैं. हाँ ये भी सही है. नया नया सीखा है क्या आपने उर्दू? हाँ नया नया सीखा है मैंने, नया नया सीखा है. हाँ हाँ. लेकिन ये आप मतलब ऐसी हालत में इतना कम कपड़े क्यों पहनती हो तुम? फ्रेंड्स ये कम कपड़े हैं क्या? ओह माय गॉड, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें. इतना कम कपड़े पहनती हो तुम. ओहो हो, लुक हु इज सेइंग. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी तो हमेशा शॉर्ट्स में ही रहते थे. ये सडनली ऐसा पूरा ढकने के बाद क्या मतलब आपको आपको अल्लाह जी माफ कर देंगे? हाँ मुझे माफ कर देंगे. क्यों? क्योंकि क्योंकि अभी मेरी शादी हो गई है तो मैं अपने आप को ढक के रखूंगी. पहले का बात दूसरा था, पहले का बात थोड़ा मॉडर्न हो गई हूँ मैं. शादी होके मॉडर्न हो गई हूँ. शादी होके मॉडर्न हो गई है. ओके मैडम, लेकिन आपका ये कपड़े मतलब मैं समझ, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस. क्यों पसंद नहीं आया मुझे? पसंद तो आप ही हो. पसंद तो आप हमें बहुत हो. अच्छी बाद में बताऊंगी. अच्छी तो लग रही हो माशाल्लाह, आपको नजर ना लग जाए. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. काफी उर्दू वर्ड सीख लिया है आपने. हाँ हाँ. 130 करोड़ जनता आपसे पूछना चाहती है कि दुनिया में इतने सारे कंट्रीज है, आपको हमारा नेबर ही मिला. पाकिस्तान के ही बंदे से शादी करना था, वो भी इतने बड़े बड़े दाढ़ी वाला. क्योंकि पाकिस्तानी से शादी करने से तो मैं फेमस हो जाऊंगी और बहुत दिन से मैं न्यूज़ में भी नहीं आई, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा धमाल कर दूँ कि सब कोई मुझे फॉलो करे. ऐसे में मेरे फॉलोअर्स भी बहुत कम रहे थे, तो पाकिस्तानी से शादी करने से तो मेरा फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे. सो मैंने शादी कर ली. तो ये शादी दिखाने के लिए या मतलब? ऐसे आजकल का तो सब कुछ दिखावा ही है, तो तुम जो सोचती हो सोच सकती हो. तो मतलब अगर मैंने भी ऐसे कुछ धमाल मचाया तो मेरे भी फॉलोअर्स काफ़ी बढ़ जाएंगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं बढ़ जाएंगे. ऐसे भी तो तुमने तो बहुत धमाल क्या पहन के रखी हो तुम. अरे मैडम पूरा पता पहना है. थोड़ा तो शर्म करो अल्लाह को, थोड़ा को तो शर्म करो तुम. लेकिन फ्रेंड्स इतना सारा पहना है उसके बाद भी, मतलब आप तो मुझसे भी कम कपड़े पहनते थे, उसके बाद आप मुझे बोल रहे हो मतलब सडनली ये सब पहन लेने से मतलब. ऐसा मत बोलो तुम. तो ऐसा ना बोलो, अल्लाह कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा. फ्रेंड्स स्क्रिप्ट में क्या लिखा था, क्या बोल दिया हमने दोनों ने? है तुझे नजर ना लग जाए. ओके अमरीन, मैं तुम्हारे व्यूअर्स के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ. इज इट? हाँ. ओ जरूर जरूर जरूर. उर्दू का गाना? हाँ उर्दू गाना है वो. इरशाद इरशाद इरशाद. अच्छा शुक्रिया. पहले? हाँ हाँ पहले शुक्रिया बोल दिया. ये अपना दिल है आवारा, न जाने किस पे आएगा. मैडम. हाँ आप ये सब पहन के ये गाना गा रहे हो? अपना दिल तो आवारा. हाँ क्योंकि दिल तो आवारा ही होता है और इश्क है खुदा. इश्क है खुदा, इसीलिए. तो गाना गा ही लीजिए, पूरा गाना गा लीजिए, पूरा गाना सुन ही लेते हैं. अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा. है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा. Don't forget to subscribe my channel. Don't forget to subscribe my channel. Love you. Take good care of yourself. See you again with a new vlog.
बाय। शुक्रिया शुक्रिया।